नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी घर पे टूटी फ्रूटी कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं टूटी फ्रूटी बनाने के लिए ये मैंने तरबूज के जो छिलके होते हैं वो लिए हैं मैंने। तो मैं आज आपको तरबूज के छिलके से कैसे टूटी फ्रूटी बना सकती हूँ उसकी विधि बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के मैंने आधा तरबूज का छिलका लिया है। तो अब जो इसके ऊपर वाली जो ये आप देख सकते हैं रेड लेयर है उसको हटाएंगे और नीचे जो इसको भी हम छील लेंगे आलू छीलने वाली से। तो अब इसकी सबसे पहले ऊपर जो रेड लेयर है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो इसको रेड लेयर को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से रेड लेयर आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिए और ये जो पीछे का लेयर है उसको भी निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इनका छिलका उतार लिया था और इसको मैंने इस तरीके से काट भी लिया इतने को। तो पूरे को इसी तरीके से काट लेंगे और बिल्कुल बारीक पीस में इसको काट लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पूरे जो छिलके थे उनको काट लिया इस तरीके से और थोड़ा सा इनको मैंने साइज में भी इस तरीके से थोड़ा मोटा रखा है। तो अब पानी लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी लिया, मैंने आधा इस टाइम भगुनी पानी लिए, पानी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर दिया है। तो अब इसको डाल देंगे। तो अब इसमें डाल देंगे मैंने इसको 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था और इसको मैंने निकाल दिया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से फूल भी चुके हैं। तो मैंने इसका आप देख सकते हैं पूरा पानी भी निकाल लिया है। तो अब लेंगे कढ़ाई चाशनी बनाने के लिए। तो ये मैंने लिया है कढ़ाई चाशनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें चीनी डालेंगे। तो ये मैंने एक कटोरी चीनी लिया, चीनी डालेंगे और अब इसमें डेढ़ कटोरी पानी की डालेंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे। तो 2 मिनट चाशनी को हो चुकी है और ये चाशनी पककर तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देंगे तरबूज के जो छिलके थे वो। ये बहुत ही इजी है टूटी फ्रूटी बनाना। तो आप घर पे जब भी आपके तरबूज आपके पास हो तो आप उसके छिलके के कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको चाशनी में पकाएंगे और फुल फ्लेम पे इसको पकाना है चाशनी को। तो 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसमें मिल चुका है और अच्छी तरीके से इसके अंदर भी जा चुका है चाशनी। तो टूटी फ्रूटी देख सकते हैं तैयार हो चुकी है चाशनी में जाकर। तो अब इसमें कलर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको 3 में डिवाइड कर दिया, 3 बाउल्स में। और ये मैंने लिया कलर। तो कलर के आप ये देख सकते हैं मैंने येलो कलर लिया फूड कलर, ये मैंने रेड लिया, ये मैंने ग्रीन लिया है। जो भी आपके पास फूड कलर हो अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप जो हल्दी होती है उसको भी डाल सकते हैं, येलो कलर का बना सकते हैं टूटी फ्रूटी। तो इसमें मैंने 1-1 चम्मच इस तरीके से पानी डालकर मिक्स कर लिया था। तो 1-1 में डाल देंगे सभी को। तो अब इसको सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें फूड कलर मिक्स हो चुका है, तो कितना अच्छा लग रहा है सभी कलर। तो अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे। तो ये मैंने 3 प्लेट लिया, ये वाली प्लेट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ली है क्योंकि ये येलो वाली टूटी फ्रूटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए इसको पूरा खुला खुला डालेंगे और बिल्कुल भी इनका चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने इस तरीके से 3 प्लेटों में डाल लिया है। तो सभी को 1 दिन के लिए इसको धूप में सुखाएंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं 1 दिन तक मैंने इसको धूप में रखा था, तो टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है और कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मार्केट की टूटी फ्रूटी होती है वैसी ही बनी है ये। तो आप इसको 3 कलर को एक साथ मिक्स करके भी रख सकते हैं टूटी फ्रूटी को, और 1 से 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होंगी।
आप इसको केक में डाल सकते हैं, आप कुकीज बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, ये सभी चीजों में यूज हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम मेहनत में बन जाती है। तो हमारी सिंपल तरीके से टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।